रामगढ़ ताल के समीप स्थित वाटर पार्क के भागीदार श्याम बिहारी अग्रवाल व दीपक कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से जीडीए सचिव सहित अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व अनैतिक मांगों का गंभीर आरोप लगाया है। वाटर पार्क परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए श्याम बिहारी अग्रवाल और दीपक अग्रवाल ने कहा कि जीडीए की भ्रष्ट मांग पूरी न करने पर नियम कानून के विरुद्ध फ्रॉड कर गलत कार्रवाई करने, पत्नी बच्चों सहित हम लोगों को पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का षड्यंत्र व साजिश करने के तहत जालसाजी से साठगांठ कर पार्क बंद करने और उस पर कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों भागीदारों ने कहा कि न्याय उचित कार्रवाई न होने के कारण मजबूरन वाटर पार्क को सीजन में अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। मुख्य द्वार पर स्थित पार्क आम जनमानस के लिए खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि जीडीए सचिव के रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के संबंध में जानकारी मुख्यमंत्री को श्याम बिहारी अग्रवाल व अर्जुन बलानी द्वारा दी जा चुकी है। वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार कमिश्नर कोर्ट ने वाटर पार्क के नाम पर मैरिज हाउस सहित कई अवैध निर्माण करने पर वाटर पार्क के कर्ता धर्ताओं के विरुद्ध आदेश देते हुए मैरिज हाउस आदि को बंद करने का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध वाटर पार्क के संचालकों ने माननीय उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने अल्टरनेट रेमेडी के आधार पर निस्तारित करते हुए संचालकों से शासन में अपील करने को कहा था, जिस पर वाटर पार्क के संचालकों ने शासन में अपील किया है जो अभी लंबित है। जहां तक वाटर पार्क के संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने की बात है, वह जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर जीडीए के सचिव ने दर्ज करवाकर केवल उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया है। गोरखपुर न्यूज ने वाटर पार्क के संचालक गढ़ द्वारा किए गए पत्रकार वार्ता में जीडीए सचिव के ऊपर कथित तौर पर घूस मांगने के आरोप के संबंध में जीडीए के सचिव राम सिंह गौतम से पूछा तो उन्होंने वाटर पार्क के संचालकों पर पलटवार करते हुए कहा कि वाटर पार्क वैसे भी सील है और जहां तक घूस मांगने की बात है वह फर्जी है। जीडीए सचिव ने यह दावा किया है कि आज तक ना तो ऑफिस ना ही अन्यत्र कहीं भी वाटर पार्क संचालक श्याम बिहारी अग्रवाल और दीपक अग्रवाल से उनकी मुलाकात ही नहीं हुई है। मामला कोर्ट में है और आरोप लगाने वाले वाटर पार्क के दोनों भागीदारों श्याम बिहारी अग्रवाल और दीपक कुमार अग्रवाल के सभी आरोप निराधार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाटर पार्क के भागीदार श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा, अधिकारियों का कहना है उससे अधिकारी हमारे जो है वकालत इनकम टैक्स के वकालत को नहीं खत्म कर पाएंगे। हमारी पत्नी मारपीट कर रहे श्याम बिहारी, हम इस संबंध में कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है अनिश्चित काल के लिए वाटर पार्क को जो है बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि जीडीए के सचिव और उनके जो है अधिवक्ता चोपड़ा के अत्याचार और गलत जो मांग की जा रही है, गलत जो है पत्र व्यवहार जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, उस उत्पीड़न के खिलाफ जो है हम लोग जो है वाटर पार्क को जो है अब जो है किसी भी कीमत पे नहीं चलाएंगे, जब तक मुख्यमंत्री इसको जो है एसटीएफ से जांच कराएं, किसी उच्च अधिकारी से जांच कराएं और जांच करके जो है उत्पीड़न को जो है बंद करें, तभी जो है इस पार्क को जो है चलाएंगे। गलत मांग, पैसे की मांग की गई। किसने मांग किया? सचिव द्वारा गलत मांग की गई, जिसको न देने के बाद से उसके बाद से क्या हुआ कि सड़क को जो है वो कोने पे जो है जो टर्निंग है वहाँ सड़क को खुदवा दिए। 6 महीने 8-7 महीने तक उस पर काम नहीं हुआ तो लोग पार्क पर नहीं आ सकते थे। अब ये सब हम नहीं बोलब। और जो है इतना उत्पीड़न कर दिए हैं कि मन जो है आजीज आ गया है। अब पैसा लगता हम लोगों का जो लगा है, हम लोग अपना डूबा वो मान लिए। अब पार्क को जो है वास्तव में जो है बंद करने की इच्छा है, क्योंकि हम लोग जो है अधिवक्ता हैं, इनकम टैक्स के बहुत नाम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष भी हैं। जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो है अधिकारी वर्ग ऐसा कर रहा है, तो जो है दूसरे के साथ क्या करेगा भाई। हैं, आज तक तो कोई मुकदमा नहीं हुआ। जीडीए ने जो है हमारे बच्चों के ऊपर जो है मुकदमा, फर्जी मुकदमे जो है कायम करा दिए, पेपर में निकला, बदनामी नहीं होती है। हैं, मुख्यमंत्री से 3 बार मिले हैं, जीडीए के उपाध्यक्ष और कमिश्नर को बुला के हमारे सामने उन्होंने जो है कहा है, हैं मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं,
हैं, कहा कि ऐसे ऐसे जो है इसको आप कर दो, लेकिन जो है मुख्यमंत्री जाने के बाद ये अधिकारी जो है उनके कान में क्या भरते हैं गलत सलत हम लोगों के खिलाफ, हमें नहीं मालूम है। हम खुद मौजूद थे 3 बार, 2 बार लखनऊ में मिले हैं, 1 बार जो है 2 बार यहाँ मिले हैं, 4 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं खुद। जब तक जो है न्याय नहीं होगा तब तक पार्क बंद रहेगा, नहीं चला। गवर्नमेंट की रेवेन्यू का अभी तो लॉस है, GST हम 60-70 लाख रुपया GST दे रहे हैं, हैं हैं, और आगे जो है और बढ़ोतरी करोड़ों में जो है देने की इच्छा है, तो GST का गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी तो गया।